पॉपुलेशन काउंसिल के जेर एहतमाम इस्लामाबाद में मुनक्कदा सेमिनार से खिताब में मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी में इजाफे की शरह दीगर एशियाई ममालिक के मुकाबले में सबसे ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान में एक तिहाई बच्चे स्कूल नहीं जाते। सेमिनार से खिताब करते हुए सीनियर टेक्निकल एडवाइजर बराए UNW फौजिया यजदानी ने कहा कि आर्टिकल 14 तौलीदी सेहत का हक देता है, हमें तौलीदी सेहत को मेटरनल हेल्थ के बराबर लाना होगा। हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो सार्क कंट्रीज में सबसे ज्यादा है, 3.6% है। इसको कम से कम हमें 2% पे लाना है। हमारे रह गए हैं अब रिसोर्सेज, उनके हिसाब से अपने शहरियों को बेहतर शहरी हकूक दे पाए। अपने खवातीन को वक्फे की बारे में बताएं, वो सहूलियात दें कि जिससे वो अपनी खानदान को बेहतर तरीके से प्लान कर सके। पॉपुलेशन काउंसिल के रुकन उम्मे कुलसूम का कहना था कि जिस रफ्तार से आबादी में इजाफा हुआ है, इस तनासुब से वसाइल नहीं बढ़े। इस वक्त हम पानी की किल्लत के शिकार 3 ममालिक में शामिल हैं। सेमिनार में मुल्क भर से आए हुए सहाफियों ने शिरकत की।